खबर बिलासपुर से है। बिलासपुर के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल लाला लाजपत राय में बच्चों के प्रवेश के लिए रकम वसूली की शिकायत जांच में प्रमाणित नहीं पाई गई है। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच संयुक्त जांच दल द्वारा की गई। शिकायत की गई थी कि इस अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बच्चों के प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा डोनेशन लिया गया है। इसके साथ ही अन्य बिंदुओं पर भी शिकायत की गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शिकायत की जांच एक संयुक्त दल द्वारा की गई है। जांच में बच्चों के शाला में प्रवेश के लिए डोनेशन या रकम वसूली प्रमाणित नहीं पाया गया है, लेकिन जांच में यह जरूर पाया गया है कि शाला में निर्धारित संख्या से अधिक बच्चों को प्रवेश दिया गया है और कुछ बच्चों के पूर्व दस्तावेज जमा नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही जांच में यह भी पाया गया है कि बच्चों के प्रवेश से संबंधित पंजी संधारित नहीं की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर ने बताया, जांच प्रतिवेदन 4 फरवरी को प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग को भेज दिया गया था। उन्होंने बताया कि शासन को भेजे गए प्रतिवेदन में टंकर रोटी के कारण नहीं शब्द अंकित नहीं हो सका। बताया जा रहा है शासन को भेजे गए जांच प्रतिवेदन में प्रवेश हेतु रकम वसूली प्रमाणित हुए लिखा गया था, नहीं शब्द अंकित नहीं हो सका।